हमने येलो कपड़े क्या पहन लिए, मौसम ने तो येलो करने का ही सोच लिया। बढ़िया येलो येलो डटी फैलो वाला मौसम हो रखा है पूरा। क्या बोलते हो, येलो मैंने पहन लिया, मौसम भी येलो हो गया। येलो मैंने पहना, मौसम क्यों सुहाना येलो हो रहा है पता नहीं। हेलो एवरीवन, मैंने आपको हेलो नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला। हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो हम लोग आए हैं इन ऑर्बिट और प्लान अच्छा अच्छा था, पर बारिश यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेती है। मुंबई में बारिश जाने का कोई अता पता दिख नहीं रहा है, मतलब अक्टूबर का महीना आ गया है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रश है आज मॉल में। प्लान कुछ भी नहीं था कि हम लोग आएंगे, पर आ गए हैं। और अनिका को टाइम जोन में तो पक्का ही घुमाएंगे, सैटरडे संडे तो हमारा बनता ही टाइम जोन के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है। काफ़ी ज़्यादा रश है आज। क्या प्लान किया है हमारा, टाइम जोन में खेलेंगे। आज मुझे ओनली के कुछ टॉप्स दिखा रहे थे कि वो येलो टॉप अच्छा लग रहा है, मैंने बोला ऑलरेडी मैंने येलो ही पहना है, मेरे पास ऑलरेडी कितने सारे येलोज हैं और मैं येलो टॉप ही खरीदूँ, ऐसे हो गया। वैसे ग्लोबस में भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया है, कल भी मैंने देखा था और आज भी देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सारी अच्छी लग रही। यार मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, पर एकदम लग रहा है मेले जैसा। मेरा फेवरेट, आप सबका फेवरेट है कि नहीं पता नहीं, FBB हाइपर सिटी मुझे अच्छा लगता है। मतलब हाइपर सिटी को FBB ने एक्चुअली ले लिया। हम लोग अनिका के लिए कुछ अच्छे कपड़े देखने आए, इनकेस मिल गए तो ले लेंगे। ओप्स, देखो 20% ऑफ। ओहो, आज सैटरडे है, सैटरडे को, यस राइट, सैटरडे को एक्चुअली हम लोग मेटल नहीं लेते हैं, मेटल की कोई भी चीज़ नहीं लेते, और आज ही भैया बोले 20% ऑफ। अरे इयररिंग्स पे बहुत अच्छा ऑफ चल रहा था, ये है ना, ये देख, ये थोड़े बड़े बच्चों का लग रहा है, साइज नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा। 15 से 16, 9 से 10, 8 से 10 का आगे, 10 से 11। ना ये बड़े बच्चों का ही कलेक्शन है। चलो इधर देखते हैं, ये मे भी ऐसे कपड़े जो होते हैं है बहुत ब्यूटीफुल, पर ये फेस्टिव सीजन में ही पहने जाते, कैजुअली नहीं पहने जाते। पसंद आ रहा 5 to 6? हाँ अनिका, तुम 5 to 6 नहीं हो, बेबी कहाँ गई, आ जाओ देख तो लो, पहले देख लो, देख लो। ओके, यू वांट टू ट्राई? नो, इट्स ओके फॉर मी टू सेटिंग। बिना ट्राई किए बेटा? यस आई कैन, दिस इज फॉर बेबी फ्रॉक है, वो बेबीज के लिए फ्रॉक है। यू आर नाउ बाबा, इट्स वेरी क्यूट। के वेलवेट टच में है ये पैंट, इसमें बहुत सारे कलर्स भी है इनके पास, बहुत सारे कलर्स है, थोड़ा सा वेलवेट टच दिया है। बच्चों पर एक्चुअली सब चीज़ें अच्छी लग रही है ना, फुटवेयर भी बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, दूर की नज़र से मैंने फुटवेयर को देख लिया है। मे भी ये नहीं, ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा है।
नहीं वैसा भी नहीं, वो फिर थोड़े दिन में दो वॉश के बाद ही नाइट सूट जैसा लगने लगता है। नहीं थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब थोड़ा ब्राइट कलर लेते हैं। बराबर नवंबर से ठंड आ जाएगी। फुल स्लीव्स भी ज़रूरी है, मौसम अभी चेंज होने वाला है। ओ, ये क्या है? मुझे लग रहा है ये वाला है। ओके, सब ट्राई करके हो चुका है, पता चल गया है कि एग्जैक्टली साइज अनिका को कौन सा लगेगा। मैं कभी भी बहुत बड़ा कपड़ा नहीं लेती हूँ अनिका के लिए, या फिर बहुत छोटा नहीं, क्योंकि बड़ा कपड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है और दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यार ये क्या पहना दिया। सो बेटर है कि जो साइज है वही पहनाओ। वो इसलिए क्योंकि बच्चों को वैसे भी हर 6 महीने में नए कपड़े लेने ही पड़ते हैं, उनकी साइज बढ़ती रहती है। सो बेटर है कि जो साइज है वही खरीदे, बेस्ट है ना। Come on.
ओके तो अभी तक सैटरडे अच्छा चला गया है हम सबका। अनिका का सबसे अच्छा गया है, क्यों वो तो आप समझ ही गए हैं। ये एक्स्ट्रा फूड जो बच गया है उसको लेकर चल रही हूँ। और कितने बच गए हैं मेरे हाथ में? अरे सर ये पकड़ोगे क्या? तो 10:30 बज गए। अच्छा मूड ऑफ दी वीक। एक्चुअली मॉल खाली हो चुका है, काफ़ी दुकानें मैं आपको नहीं दिखा सकती, कोई रियल इंसान की बात नहीं हो रही है। नहीं तो बोले वो पुतले हैं, मुझे भी पता है। लेकिन कितने पानी जैसे पानी दुकानें दिखाने में कुछ नहीं। वो अभी मुझे फोकस करके वो देखिए वहाँ पर मूड सॉफ्टी ठीक। तुम्हारा कौन सा है? सैटरडे वाला तो मेरा भी है। एक टाइम था जब हम क्रॉसवर्ड में जब भी आते थे इधर पक्का जाते थे, अनिका हमें लेकर जाती थी। अभी क्या जाकर मस्त सोएंगे। पता है आपको अनिका को और 3 दिन छुट्टी है, कल तो संडे है, मंडे भी छुट्टी है और ट्यूसडे तो आपको पता है दशहरा है। ये देखिए पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। आपने क्या किया सैटरडे को बताना, ठीक है? आपने क्या किया सैटरडे को? इसने? आपने? मैंने कुछ अलग किया था, इतनी हिम्मत हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती? राज हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत शान है, बहुत शान है, आज इन्होंने बहुत शान पट्टी की है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी मैं बताऊंगी आपको मैं बताती हूँ। FBB में जब हम कुर्ती ले रहे थे, ये म्यूज़िक लिफ्ट में क्यों म्यूज़िक ज़रूरी है पता नहीं। FBB में हम कुर्तियाँ मिली ही नहीं, मेरी ये भी कुर्ती राज अपने लिए कुर्ता देख रहे थे, तो मैंने जो देखा मैं जो दिखा रही थी उसको राज ने देखा भी नहीं और जो अनिका ने देखा नहीं उसको राज बोल रहे थे कि अनिका को पसंद है। मैंने अनिका ने कुर्ता को देखा भी नहीं और उसको पसंद था और फिर राज ने वो कुर्ता ले लिया। इधर है, इधर इधर L23 देखा था, कितनी स्मार्ट हूँ। मैंने अपने पैकिंग का नंबर याद किया था, क्या था? अभी 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 नहीं बोलेंगे, मुझे पता है इसके पीछे है, मैं उधर से बोल के ज़्यादा पर आपको नंबर पता है? नंबर जरूरत नहीं है, पार्किंग मैं लिफ्ट देख के रखता हूँ। मैं और नंबर भी देख कर रखती हूँ, लिफ्ट भी देख कर रखती हूँ। बेबी सामने है अपनी गाड़ी बेटा। मैं दूसरी गाड़ी में जा रही थी तो ऐसे राज ने हरकत की, मैंने भी बोला ठीक है कोई नहीं, अनिका की पसंद कर ले लो कोई बात नहीं, जो उसने देखा भी नहीं था ठीक है ले लो कोई बात नहीं। आओ मैम, आओ मैम साहब, आओ मैम साहब, आओ ये मेरे हेलो कर दो। हेलो 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 मैम साहब बैठो। मैं अनिका हूँ। तुम मैम साहब हो हमारी? ओके मैम साहब। चलो मैं भी बैठ लूँ, आप यहाँ पर बैठो मैं यहाँ पर बैठूँ। आज थ्री टेडीज मिले हैं और वो भी अच्छे वाले, एक बड़ा एक छोटा और एक बहुत छोटा है ना। ओके तो चलिए अभी आपको मैं दिखाऊंगी वाशी की नाइट लाइफ जो कि रोड से गाड़ी के अंदर से शूट करके दिखाऊंगी, ठीक है? चलिए देखेंगे। ओके
ओके सो ये महाशय आज ज्वाइन करेंगे हमें, ठीक है, इस वीडियो को एंड करने में। और मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या लाया है और क्या क्या जीता है, क्योंकि जीता कुछ ज़्यादा ही है आज। ये देखिए, ये सीक्वेंस वाला वाली ये कैट है, ऐसे करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, या सीक्वेंस चेंजिंग वाली कैट है। और लिखा है आई वॉज वॉन एट टाइम जोन, ये देखिए। सो जॉइन द फैमिली। एक और मिला है, और एक मिला है, ये देखिए क्यूट है। और इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जॉइन द फैमिली। ओके सो अनिका ने अपने लिए ये पेंटिंग वाली बुक लिखी है, मेरा फेवरेट है पेंटिंग। देन शार्पनर और नोटबुक। और मैं आपको मेरा उस तरफ का हिस्सा नहीं दिखाऊंगी घर का, क्योंकि रिनोवेट हो रहा है बहुत जल्दी, आपको हमारा घर बहुत बदला बदला दिखने वाला है। सो एक्साइटेड रहिए। और ये पैराशूट सेट है, अनिका ने लिया है। और क्या है, हाँ अनिका के ही कपड़े हैं, और एक राज का कुर्ता है। तो सबसे पहले मैं राज का कुर्ता दिखाऊंगी, ये देखिए वाइट कलर में है। एलिफेंट जी थोड़ा सा सरक जाइए, तो ये वाइट कलर में है। और इसका जो नेक का पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, लाइक ये साइड से इसकी ये बटन्स है, बीच से नहीं है। सो काफ़ी यूनिक पैटर्न है, और राज के ऊपर कुर्ता बहुत सुंदर लगता है। एंड बेस्ट पार्ट की वाइट कलर का कुर्ता उन पर और बहुत जचता है। तो ये देखिए, ये है वो वाइट कलर का कुर्ता। और मैं आपको बता दूँ, उनके मैक्सिमम जितने भी कुर्ते हैं वो सारे ही शतरंज ब्रांड के हैं, जो कि FBB में ही मिलता है। उसके बाद अनिका के लिए मैंने ये फुल स्लीव्स का एक टी शर्ट लिया है, जो कि मुझे मिला है 200 रुपीस में। और राज का ये जो शतरंज का कुर्ता है, ये उन्हें मिला है 700 रुपीस में। और इसमें बहुत सारे कलर थे, ऑप्शंस ब्लू एंड ब्लैक और टॉफी कलर, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। उसके बाद और एक मैंने फुल स्लीव्स का अनिका के लिए टी शर्ट खरीदा है। अनिका के पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक फुल स्लीव्स टी शर्ट बची थी, और मौसम अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, रात के समय पर फुल स्लीव्स वगैरह हो तो अच्छा है। और मैं जा रही हूँ कहीं घूमने आने वाले दिनों में, तो आपको पता चलेगा ही। ये मुझे 300 का मिला है, इसका फैब्रिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब मोटा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है 300। और ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक कम कुर्ता, ऐसा आप बोल सकते हैं, जो अनिका के लिए एकदम वाइब्रेंट कलर में, लाइक कलर बहुत प्यारा है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, इसके ऊपर जो वर्क हुआ है वो भी अच्छा है। और ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह से, ये क्या हो रहा है, पैराशूट। अच्छा, तो ये देखो पॉम पॉम लगा है। तो ये थोड़ा सा मुझे महंगा मिला है, बट मुझे बहुत पसंद आया। ये सृष्टि गर्ल्स का 800 रुपीज़ का मिला है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर दिवाली पार्टी होती है तो शायद मैं अनिका को ये पहनाऊंगी, थोड़ा सा मतलब ऐसे भी कलर कभी कभी बहुत प्यारे लगते हैं, तो दिवाली पार्टी वाले। ओके सो ये और एक फुल स्लीव्स का इस तरह का टॉप है। मैंने सारे फुल स्लीव्स ही खरीदे, क्योंकि मौसम अभी ठंड वाला आने वाला है, पैराशूट। और ये मुझे मिला है 400 रुपीज़ का, इसका फैब्रिक बहुत डिफरेंट है, नीचे की तरफ लेस लगी हुई है। और एक जंप सूट मैंने लिया है अनिका के लिए, ये देखिए काफ़ी कलरफुल वाला जंप सूट है, वेकेशन वगैरह के लिए बहुत प्यारा लगेगा ये। और इस तरह से है, और ये मुझे मिला है 700 रुपीज़ में। और ये पजामा, पजामे के ऊपर की प्रिंट बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत सारे हार्ट्स अलग अलग कलर्स में बने हैं। और ये मिला है 229 रुपीज़। और ये है लास्ट टॉप, जो अगेन फुल स्लीव्स है, नहीं स्वेटर नहीं बोल सकते हम इसे, बोल सकते हैं स्वेट शर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक्चुअली ये स्वेट शर्ट है। और ये हमें मिला है 500 रुपीज़ में। actually, और इसका फैब्रिक एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है। यस एक्चुअली, मिस एक्चुअली बताओ। एक्चुअली ये मैं इसके लिए ली हुई है कि ठंड आने वाला है ना अभी नवंबर से, मुंबई, नवी मुंबई में, नवी मुंबई में, हाँ, जहाँ पर हम लोग को कभी ठंड नहीं लगती है, आने वाली है ठंड पर हमें लगती नहीं, पर बच्चों के लिए।
सो बस ये सारी चीज़ें मैं आज लेकर आई हूँ। आई रियली होप कि आपने जो देखा आपको अच्छा लगा होगा। और आपको मेरे ये नए बाल कैसे लग रहे हैं बस ये से बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल तो आपने मेरे हेयर वाले हेयर कट वाले ब्लॉग में बताया होगा, पर फिर से एक बार बता दें मैं क्या जा रहा है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ मैंने न्यू ट्राई की है तो थोड़ा सा मतलब पता नहीं कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, थोड़ा सा मतलब वो चलते रहता है मन में, पर एक बार आप बोलेंगे तो शायद और अच्छा लगेगा। थैंक यू मिस किटी, सीक्वेंस चेंजिंग किटी, नाइस ना, मतलब यार सीक्वेंस चेंजिंग सॉफ्ट टॉयज में भी आ गया। एक बड़ा वाला मिल रहा था पर अनिका ने और एक पकड़ लिया था उसमें, ये तीनों भी पकड़े हुए पता है ना आपको, ये तीनों भी इस तरह से पकड़े, एक और एक पकड़ा था पर वो छूट गया, चार बार किया था। चलो बाय 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 बाय, लाइक जरूर करना, लाइक्स आजकल बहुत कम आ रहे, अगर इस वीडियो को कम लाइक्स आए तो एक दो तीन दिन व्लॉग नहीं आएंगे फॉर श्योर, इसलिए देख लो आपको क्या करना है, लाइक करना है या नहीं डिसाइड कर लो।